अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? अच्छा जी, ये देखें, आज मैंने खुद बनाया एक कच्ची जर्दी का अंडा, क्योंकि उज़्मा को तो पसंद नहीं है और उज़्मा को बनाना भी नहीं आता भाई। ये मैंने बनाया आज खुद, आज नाश्ता आज ने बनाया। अस्सलाम वालेकुम मेरी कच्ची यूट्यूब जर्दी फैमिली, का। कैसे हैं आप लोग? इस अंडे का फ़ायदा ये है कि सर्दियों के लिए बहुत अच्छा होता है, और पकी हुई जर्दी में मुझे मज़ा नहीं आता। मुझे ऐसा अंडा पसंद है। और उन सर्दियों में नहीं जहाँ सर्दी होती है, कराची में सर्दी नहीं होती है, होती है? क्यों नहीं जहाँ होती ऐसे है? अंडे आप बैठ के खा रहे अरे हैं। होती है भाई, बाहर निकलोगी तो पता चलेगा ना, घर हाँ, कोई सर्दी नहीं। बैठे बैठे कौन सी सर्दियां लगती हैं। हाँ, बस सर्दी में ये ऐसे कच्चे बदबू वाले अंडे खाए जा रहे बदबू नहीं थे। होती, जर्दी सही होती है इसमें, कच्ची हाँ जनाब, फायदेमंद है। चलें ठीक है, आप खाएं कच्ची सर्दी और अपनी जो है ना सर्दी भगाएं। ठीक है, हम नाश्ता करते हैं। मैं जा रही हूँ अबरिश के स्कूल, क्योंकि आज अबरिश लंच लेके नहीं गई है और सुबह उसका छुट्टी का इरादा हो रहा था तबीयत की वजह से, लेकिन उसने कहा, मैंने उसको करने नहीं दी, तो इसलिए गुस्से में लंच नहीं लेके गई। तो मैं उसे कुछ देने जा रही हूँ और फिर वापस आके आपसे मिलती हूँ। चलें जनाब, सफाई का आगाज़ करते हैं। वैसे सुबह का नाश्ता हो चुका है, अबरिश भी चली गई, उसकी चीज़ भूल गई थी आज लंच ले जाना, तो वो भी मैं दे आई हूँ अभी। और अब सफाई करते हैं। सबसे पहले अबरिश के रूम की हाल कम रूम से शुरू करते हैं, क्योंकि इसके रूम की हालत बहुत अजीब हो रही है। देखिए, कल मैंने मशीन लगाई हुई थी तो उसका क्या हाल, कपड़े सारे उतरे हुए यहाँ पड़े हैं। उसने पूरे अपने कमरे का क्या हशर मचाया हुआ है। ये देख लीजिए, ये अबरिश का रूम है, और ये देखिए सारे इसके टॉयज़ वगैरह, ये सब ऐसे ही पड़े हुए हैं। मैं अभी इसको सेट करती हूँ, यहाँ से सफ़ाई का आगाज़ करते हैं, फिर दूसरा काम करते हैं। तो जनाब, मैंने इस वक्त अबरिश के रूम की सफ़ाई कर ली है। देख लीजिए बिफ़ोर एंड आफ्टर। बिफ़ोर मैंने पहले आपको दिखाया था कि कैसी कंडीशन थी उसकी, क्योंकि बहुत दिनों से मुझे मौका नहीं मिला था अबरिश के रूम की सफ़ाई करने का और इसका फैलावे समेटने का। जब से मैं जैकाबाद से आई थी तो मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिला था। अब ये अल्फ़ाबेट पे आप इग्नोर मारिएगा, क्योंकि मैंने आगे पीछे लगाया, वो टाइम नहीं है इस वक्त। मैं इसको बहुत तरतीब से लगा, उससे बहुत टाइम लगता है। तो ये देख लीजिए इसके फाइनल लुक, अब कुछ बेहतरीन नज़र आ रही है उसके रूम की। और बाकी आधे जो अल्फ़ाबेट है ना, जो इसने बीच बीच के, वो सब गायब किए हुए, खोए हुए, कहीं नज़र नहीं आ रहे। चलेंगे देखिए अबरिश के रूम का फाइनल लुक। अब मैं नज़र मैं आपको यहाँ ज़रा शक्ल देखिएगा मेरी, मैं कैसी लग रही हूँ, मासी मासी टाइप की। खैर, सफाई करने टाइम हर औरत का यही हाल हो रहा होता है, और मैंने आज डीपली सफाई करनी है, जाले वाले सब उतारने। देख लीजिए, इस अबरिश आ चुकी है और अबरिश का नाश्ता बन गया है। और अबरिश ने कहा है कि वो 24 आवर्स अब उसका रूम साफ़ हो गया है, तो वो यहाँ ये देखिए अबरिश से मिलिए, ये अबरिश है। इसका 24 आवर्स जो है ना इस रूम में रहने का इरादा है। 24 नहीं, 12 आवर्स, क्योंकि सुबह होते ही आप स्कूल लेंगी। और ठीक है, आप ये नाश्ता करें। और अच्छा, मुझे एक बात करनी थी कि मेरे एक सब्सक्राइबर का कौन मुझे जो है, उन्होंने मुझे ना कमेंट्स किया है कि वो सोहा हैं और मेरे मोहल्ले से, जैकबाबाद से। तो सोहा, अगर आप, मैं आपको जानती हूँ और आप मुझे जानती हो, तो बहुत शुक्रिया आपने मुझे सब्सक्राइब किया और मुझे कमेंट्स किया। और दूसरा ये है कि अगर मेरे गली मेरे मोहल्ले से, ये तो भाग के जाओ फ़ौरन, मेरी अम्मी से मेरा व्हाट्सएप नंबर लो और मुझे कॉन्टैक्ट करो, ताकि हम मिलकर गप्पे शप्पे लगाएँ और जितना हो सके अपने अपने जितने भी कांटेक्ट है ना, उसमें भी मेरा ये लिंक शेयर कर देना और सबसे सब्सक्राइब करवा देना। वो देखो, वो अपनी लगी हुई है, बहुत मज़े का होता है, ये होता है, पहले आप ये खाओ, अंडा खाओ, फिर उसके बाद। चलें ठीक है, फिर और कोई काम करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। और सोहा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे सब्सक्राइब किया और मुझे कमेंट्स किया, ठीक है। और आपसे ताल्लुक़ रहेगा अब। गाइस, आज हम आए हैं ताई के घर। ये हमारी ताई और जूजू की हैं बड़ी दादी। हाँ, जूजू की बड़ी दादी है, ये मेरी बड़ी सासू माँ है। हाँ, अजरा कहाँ है? वालेकुम सलाम, ये है अजरा। ठीक ठाक जी, क्या हाल चाल है भाई? आज क्या पका रही हो तुम? कुछ बना बना नहीं? जी बना रहे हैं, आज हम विंग्स बना रहे हैं। चिकन विंग्स बनाएंगे? ओह माय गॉड, वाले बनाएंगे केएफसी वाले, वो आप सबको सिखाएंगे भी। चलो खिलाएंगे भी, खिलाएंगे भी। चलो चलो, आज मैं तुम्हारी वीडियो भी बनाऊंगा, इनका चैनल भी है। अजीम देख ले, मैं ले आया इनको, ताई को भी और अजरा को भी। मेरी यूट्यूब फैमिली, मेरे मैके वाले खास तौर पे देखें, ये मेरी सासू माँ है, बड़ी सासू माँ है। मेरी सास को तो आप लोग सब जान रहे होते हैं, और ये मेरी बड़ी सास है। तो अयाज की ताई अम्मी है ये,
तो आप आज मैंने सोचा, हम लोगों ने सोचा कि आप लोगों को इनसे मिलवाते हैं क्योंकि ये अभी तक हमारे ब्लॉग में नहीं आए थे, तो आप लोग इनसे मिलिए और बैठ के बातें करते हैं। चलें जी, अब इस वक्त हम ताई के घर हैं, देखें यहाँ क्या हो रहा है। अजरा चाय बना रही है, और अजरा क्या कर रही हो? मैं चाय बना रही हूँ अभी, तो ये चाय बना बनाएंगे, अपने बाद बना रही है, ये तैयारी कर रही हूँ, तैयारी कर रही है विंग्स की, फ्राई विंग्स केएफसी वाले बनाएंगे। हाँ, ये केएफसी वाले विंग्स बना रही है, हमारे लिए बना रही है, हमारे लिए बना रही हो ना? जी 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 बिल्कुल, आपको खिलाएंगे, ये हमारे लिए बना रही है, ये देख ले और हम खा के बताएंगे कि कैसे थे। ठीक है, अभी देखते हैं ये अजरा विंग्स और चाय तो खोल रही है अजरा, गिराना चाह रही थी क्या चाय? नहीं नहीं, अच्छा वो अजरा हम अपनी ब्लॉगिंग में ना ऐसी मैं और आज कॉमेडी भी कर रहे होते हैं, लड़ भी रहे होते हैं, हमारी वो चिट चैट भी चल रही होती है, और क्या कहते हैं उसे, गुड, तो इसी तरह हमारा सारा दिन का ब्लॉग बन जाता है। ये देखें ताई बैठी हुई है अजरा किचन में लगी हुई, और जू वहाँ बैठी हुई है, आना नहीं चाह रही थी, कोई बच्चे नहीं है ताई बड़ी दादी के घर, तो मैं वहाँ नहीं आऊँगी। और अयाज पी रहे हैं अब चाय, तो आते हैं बैठ के चाय पीते हैं, चलिए। अजरा हमारे लिए बना रही है चिकन विंग। अजरा जी, अच्छा ये इसका जो है ना, ये एक चैनल इसका अपना भी है, फूड व्लॉगिंग करती है ये, और चैनल का नाम है देसी जायका बाय अजरा। हाँ ये नाम है, चैनल का नाम है, और अजीम आजम और रिजवान सब लंदन वाले देख लें। अजरा जो है ये चिकन विंग्स बना रही है हमारे लिए, ये देखें, चलें तो स्टार्ट करते हैं। अजरा हमें विंग्स बनाने खिला रही है। अजरा ये पहुंच चुके हैं कढ़ाई में हमारे विंग्स जी, ये देखिए कितने मजे। वैसे इस वक्त तो इसे झाग लग रहा है, नजर तो कुछ भी नहीं आ रहा है, अंदर पहुंचे हुए हैं सारे। फूफो बना रही है विंग्स, आप खाओगी ना? इतना क्यों शर्मा रही पटाखा तुम? वैसे तो बोल रही थी फूफो को देख के शर्मा रही हो। हाँ जब विंग्स खाएगी ना पता चलेगा कि कैसे बने, और जरा फूफो को जरा जरूर बताना। अच्छा बताना भाई, सही है, और फिर हमारे सारे व्यूवर्स को भी बताना कि कैसे बने, कैसे बनाए। ठीक है, सबा फूफो को बोलना जरूर, पप्पो आपको अब खिला रही हैं। चलें जी, ये रहे विंग्स कढ़ाई में पहुंच चुके हैं, और अब हम जब ये फ्राई होके बाहर आते हैं तो फिर हम आपसे मिलते हैं। ठीक है, चलें जनाब, ये विंग्स हो गए तैयार, हो गए अजरा तैयार जी, ये मैं इसको ना निकालूंगी। चलें डिश आउट हो रहे हैं, तो फिर आपको दिखाते हैं इनकी फाइनल लुक कैसी होती है, और हम जायका भी देखते हैं। ठीक है, या फुल टाइम ताई के साथ बैठ के महंगाई के रोने रोए जा रहे हैं। कल हमने महंगाई की ये हेडिंग दी हुई थी, और ये देखें ताई और इनके साथ बैठ के महंगाई के फुल टाइम बातें चल रही हैं। अच्छा जी, ये आ गए हमारे, अच्छा ये आ गए हमारे विंग्स तैयार, तो अब हम ये खा के बताते हैं कि कैसे बने हुए हैं। और जो है मोटी मम्मा जूजू कह रही है मुझे ऐसे विंग्स बना के दिया करें। ठीक है, और जूजू की ये बैठी हुई, हाँ ये केएफसी के विंग्स हैं और ये फूफो ने बनाए हैं, तो इसलिए अब मोटी मम्मा से भी फरमाइश हो रही है। चलें, अच्छा ताई चलते आइएगा घर पे, ठीक है, इंशाल्लाह सही है। और इसी मुलाकात और अल्लाह हाफिज़ के साथ ही मैं अपने वीडियो का भी एंड करती हूँ। हाँ, जूजू का हकीका भी करेंगे, ज़्यादा लंबी नहीं करनी क्योंकि मैं अल्लाह हाफिज़ वाली वीडियो बना रही हूँ। इसके साथ ही हम अपने वीडियो का एंड करते हैं, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपनों में शेयर कीजिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, क्योंकि और वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मुझे आपके प्यार की मोहब्बत के तावन की बहुत ज़रूरत है। तो अल्लाह हाफिज़, कल की वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़। अजरा कहाँ चली गई? ये अजरा, तुम भी अल्लाह हाफिज़ बोल दो। अल्लाह हाफिज़।